लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या जीवनावर आधारित पीएम नरेंद्र मोदी हा चित्रपट प्रदर्शित झाला आहे. अभिनेता विवेक ओबेरॉय यामध्ये महत्वाची भूमिका साकारतोय. मेरी कोम आणि सरबजीत यासारख्या बायोपिकचे दिग्दर्शन करणाऱ्या उमंग कुमारने या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले. जाणून घेऊया त्या चित्रपटाबद्दलच्या प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया. काफी ज्यादा अच्छे से एक्टिंग किया है और मतलब इट इज अबाउट द एक्सपेक्टेशंस. इट वाज वेरी नाइस मूवी. हाँ जी, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरह से पूरी फिल्म एकदम कैची है. आप उसको छोड़ ही नहीं सकते, आप मूवी में पूरी तरह से लगे रहते हैं. तो इट इज़ अ वेरी नाइस मूवी, अमेजिंग मूवी. 4.75 स्टार्स. बहुत अच्छी पिक्चर है. सबसे खास बात है कि उन्होंने आज तक जो काम किया हम पब्लिक के पास पहुंचा नहीं पाते, लेकिन हम मूवी के जरिए वो दिखा सकते हैं कि हाँ उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है. कितने लोग को नहीं पता रहता, हम पॉलिटिकल लेके अवेयर नहीं है कि उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया, लेकिन एक मूवी जो बनी, जो उन्होंने बनाया, उसे वो दिखा सकते हैं कि हमने ये किया और ये हम कर रहे हैं. अच्छी थी, बहुत अच्छी थी. मुझे लाइक उन्हें, हाँ उन्हें देख मुझे ये लगा विवेक ओबेरॉय ही है. मुझे ये लगा कि हाँ मोदी जी ही हैं. जी 5. बहुत अच्छी, बहुत अच्छी. पिक्चर में सबसे खास बात क्या लगी आपको? मोदी का स्पीच. हाँ. और बात करें विवेक ओबेरॉय की एक्टिंग की, तो उन्होंने क्या मोदी की एक्टिंग अच्छी की? अच्छी की, अच्छी. वे बोल रहे अच्छी की. कितने स्टार देंगे आप 5 में से? 5 पूरा. बहुत अच्छी थी मूवी, बहुत अच्छी थी. पीएम नरेंद्र मोदी बहुत इंस्पायरिंग थी यंग जनरेशन के लिए. मूवी देख के अच्छा लगा, बहुत इंस्पायर हूँ मैं मूवी से. ठीक ठाक थी, अच्छी मूवी थी. और विवेक ओबेरॉय की एक्टिंग बहुत सही थी. आपको विवेक की एक्टिंग कैसी लगी मूवी में? बहुत अच्छी थी. और सॉन्ग्स तो अच्छा था. बोला बेस्ड ऑन उन पे नहीं था, लेकिन थोड़े रैप थे और अच्छे इमोशनल सॉन्ग भी थे बहुत. 4. ये मूवी बहुत अच्छी है, वेरी नाइस मूवी. अगर ये मूवी 5 दिन पहले रिलीज हुई होती, सॉरी ये मूवी चुनाव से पहले रिलीज हुई होती, तो हिंदुस्तान में 542 सीट मोदी की आती और कोई सीट नहीं आती दूसरी. मोदी ने वो काम किया है गुजरात में जो आज तक किसी ने, ऐसे लीडर ने नहीं किया आज तक. मोदी को पीछे ढकेलने के लिए कांग्रेस ने वो गलत काम किए हैं. अगर कांग्रेस उनका साथ देती तो आज हिंदुस्तान कई आसमां पे होता. वेरी नाइस मूवी. देश का प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए जो मोदी जी हैं. विवेक ओबेरॉय की एक्टिंग वाह, लाजवाब एक्टिंग की है उन्होंने. मोदी का कैरियर परफेक्ट, बहुत अच्छा किया उन्होंने. जो उनका जो क्या नाम है उसका, जो साधु के भेष में जो हिमालय में जाते हैं संन्यास वाले सीन में, उनको क्या लाजवाब कैरेक्टर अदा किया है. एक महात्मा जी मिलते हैं जो उनकी क्या नाम है वो मदद करते हैं बहुत अच्छी तरह से, और उनको रास्ता दिखाते हैं कि आपको राजनीति में जाना चाहिए, आपको आपको देश की ज़रूरत है. ये 4. ओके.